हे दोस्तों, 7 मॉर्निंग हैबिट्स जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ऑब्वियसली फर्स्ट सुबह जल्दी उठना, और सेकंड से फिर आता है सेवर्स, मतलब साइलेंस, फिर अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और लास्ट स्क्राइबिंग। लो, वीडियो के स्टार्ट में आपको सारे आंसर्स दे दिए। अब कल से रोज सुबह उठना स्टार्ट कर दो और इन सारी हैबिट्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, हो जाएगा। वेल, कई बार मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ के ऐसा लगता है कि लोग बस यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि वो कौन से सीक्रेट है, कौन से हैबिट्स है, कौन सी बातें हैं जो एक बार पता चल गई ना तो बस पता चलने के बाद वो फाड़ देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। मैं देखता हूँ लोग कमेंट करके बोलते हैं कि वीडियो स्टार्ट्स एट 1.35 सेकंड्स, जंप करके डायरेक्ट हैबिट्स पे जाओ, या फिर कुछ लेजेंड्स टाइप करके बता देते हैं कि सेव योर टाइम, हियर आर द हैबिट्स, और उससे भी अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड्स होते हैं ना, वो उसके ऊपर रिप्लाई करते हैं कि थैंक्स, वरना पूरा वीडियो देखना पड़ता। लॉल, वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वाह भाई, उन्हें हैबिट्स ही नहीं पता थे, अब पता चल गए, अब तो वो कल से ही टिम कुक की तरह 4 बजे उठना स्टार्ट कर देंगे और अंबानी के साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज हैबिट्स तो कल से उनके अंदर आ ही जाएगी, और हैबिट्स बन गई तो सब मिल जाएगा। बट मजाक की तरफ, अब ये बात मान लो, जो लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ के ये हरकत करते हैं और रियलिटी में उनके अंदर ऑलरेडी हैबिट्स नहीं है, वो दुनिया के सबसे स्टूपिड लोगों में से एक है, जो शायद ही कभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज एक कॉमन सेंस की कॉमन सी बात समझो कि अगर एक इंसान में 10-15 मिनट ऐसा एनिमेटेड वीडियो आराम से देख के बातें सीखने का डिसिप्लिन नहीं है, ताकत नहीं है, फोकस करने का दम नहीं है, वो 10-15 घंटे काम कैसे करेगा, 10-15 साल काम कैसे करेगा अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए। बिकॉज इतना तो मुझे लगता है सबको पता ही है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना है, अपने सपने को अचीव करना है, तो आपको काम करना होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर फोकस होना चाहिए, और भी बहुत सी चीजें करनी होगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बट वहीं पे अगर एक इंसान एक वीडियो पूरा नहीं देख सकता है तो सोचो वो अपने सपनों को कैसे पूरा करेगा। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसी चीजें मत करना, और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना कि क्यों ये कमेंट्स के अल्ट्रा प्रो लेजेंड्स जो इतने स्मार्टली कमेंट्स पे हैबिट पढ़ लेते हैं, जिन्हें लगता है उन्हें सब पता चल गया है बिना वीडियो देखे, क्यों ये स्मार्ट लोग एक्चुअली लाइफ में कुछ कभी बड़ा नहीं कर पाते हैं, क्यों वो इन हैबिट्स को रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं और बस एक के बाद एक न्यू वीडियो सर्च करते रहते हैं जहां उन्हें कुछ ऐसी नई आउट ऑफ द वर्ल्ड बात पता चल जाए जो उन्हें नहीं पता थी। वैसे देखो, सैड बात यही है कि मैक्सिमम लोग थोड़े बहुत ऐसे ही होते हैं, लोग हमेशा आंसर्स पे फोकस करते हैं जबकि उन्हें फोकस करना चाहिए क्वेश्चंस पे। एल्बर्ट आइंस्टीन का कोट है, वो बोलते हैं कि इट्स नॉट दैट आई एम वेरी स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विद द क्वेश्चंस लॉन्गर। एग्जांपल, एक एवरेज इंसान क्या करता है कि वो एक क्वेश्चन करता है जिंदगी में कि सक्सेसफुल कैसे होना है, उसको एक वीडियो में आंसर मिलता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक मॉर्निंग रूटीन बनाना चाहिए, ये हैबिट्स अपने अंदर डालनी चाहिए। अब ऐसा वीडियो देखने के बाद एक एवरेज इंसान क्या करेगा कि उसे वीडियो पे आंसर मिल गया, अब क्या करेगा कि अब वो कोई दूसरा क्वेश्चन पे चले जाएगा, वो कोई न्यू वीडियो देखने लगेगा बिजनेस या कम्युनिकेशन से रिलेटेड। जबकि जो आइंस्टाइन थे या उनके जैसे ही जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो एक्चुअली में लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, वो एक ही क्वेश्चंस के पीछे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आंसर मिलने के बाद उस आंसर से रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल कि ठीक है, सक्सेस के लिए सुबह उठना चाहिए, क्यों? बिकॉज मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये भी पता करने के बाद वो अगेन क्वेश्चन करेंगे कि क्यों, क्यों सुबह उठना है, कैसे उठना है, क्या क्या करना है उठ के, मतलब व्हाई, हाउ, व्हाट। ऐसी हमेशा वो लोग जो भी आंसर्स मिलते हैं उससे रिलेटेड वो और क्वेश्चंस करते हैं, दे स्टे विद द क्वेश्चंस लॉन्गर, जबकि एवरेज और पुअर लोग बस एक के बाद एक दूसरे आंसर्स ढूंढते रहते हैं अलग अलग वीडियोस देख के, कभी बिजनेस के बारे में, कभी स्टार्टअप के बारे में, कभी कम्युनिकेशन के बारे में, मतलब कभी भी वो लोग किसी एक टॉपिक के डीप में नहीं जाते हैं और बस ऊपर ऊपर की बातें सुन के खुश रहते हैं। और इससे रिलेटेड एक कोट है जो बहुत ही सही है कि मोस्ट पीपल टुडे जस्ट वांट टू बी एंटरटेन्ड, दे डोंट वांट टू लर्न, दैट्स व्हाई दे आर लूजर्स। जबकि जो एक्चुअली विनर्स होते हैं वो हैबिट्स डेवलप करके अपनी लाइफ चेंज कर पाते हैं, बिकॉज वो लोग रियल लर्नर्स होते हैं जो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, स्पेसिफिकली अगेन व्हाई, हाउ एंड व्हाट का यूज करके। एग्जांपल, ऑथर हेल एलरॉड जब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, यंग एज में काफी अमीर सक्सेस अचीव करने के बाद गरीब हो गए थे, कर्जे में जीने लगे थे, बिना पैसे, टूटे रिश्ते और एक्सीडेंट के बाद डैमेज्ड बॉडी के साथ जी रहे थे, तब उन्होंने आंसर्स के पीछे भागते रहने के बजाय, स्ट्रेस डिप्रेशन में जिंदगी जीने के बजाय क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करा कि अभी मैं क्या करूं ऐसा जिससे मेरी पूरी जिंदगी वापस बदल जाए। और ये करने के लिए उन्होंने बस हैबिट्स के ऊपर एक दो वीडियो नहीं देखा और कुछ और करना स्टार्ट नहीं कर दिया, नहीं, बल्कि वो यही क्वेश्चन को लेके काफी डीप गए, उन्होंने बुक्स पढ़ी, उन्होंने सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की, ये देखने के लिए कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग आखिर क्या क्या करते हैं, क्या चीजें उन सबकी लाइफ में कॉमन है। और ऐसा करने पे उन्हें 7 ऐसी बातें मिली जो मैक्सिमम सक्सेसफुल लोगों में कॉमन थी, जिसके बाद फिर इन सब में से ऑथर सोचने लगे कि वो कौन सी हैबिट्स है जो वो खुद अपनी लाइफ में करना स्टार्ट करेंगे। वेल, गेस व्हाट, उन्होंने सोचा कि क्यों ना 7 की 7 हैबिट्स वो एक साथ करना स्टार्ट कर दे और उसकी एक रूटीन बना ले। और यही उनकी वो सोच थी जिसके बाद द मिराकल मॉर्निंग रूटीन दुनिया में आई, जिसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी जो कमाल की साबित हुई।
उन्होंने ये मिराकल मॉर्निंग रूटीन काफी इंटरेस्टिंग तरीके से अप्लाई करना स्टार्ट करी, जिसने बहुत फास्ट उनकी जिंदगी को बदलना स्टार्ट कर दिया। हेल एलरॉड फिर इसके बाद वापस एक हॉल ऑफ फेम बिजनेस अचीवर बने। उन्होंने कई सारे अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा किया, अपने कर्जे खत्म किए, अपनी बॉडी अच्छी करी। जहां एक तरफ डॉक्टर्स बोल रहे थे कि वो कभी अच्छे से चल नहीं पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ हेल एलरॉड एक मैराथन रनर बने। और ऐसी कई बड़ी बड़ी चीजें उनकी जिंदगी में हुई। कैसे? फिर बस सिंपल आंसर यही है, बिकॉज उन्होंने नॉर्मल लोगों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। और स्पेसिफिकली देखे तो बस 3 क्वेश्चन ज्यादा पूछे, व्हाई, व्हाट और हाउ। और ये भी उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से किया। लाइक सबसे पहले व्हाई की हेल्प से उन्होंने क्लियर करा उनका व्हाट, मतलब कौन सी हैबिट सीखना है और क्यों सीखना है। बिकॉज उन्हें पता था कि जब तक व्हाई क्लियर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिलेंगे, तब तक वो हाउ का यूज करके उन हैबिट्स को एक्चुअली अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले व्हाई की हेल्प से हजारों हैबिट्स में से उन्होंने 7 हैबिट्स पे ही सबसे ज्यादा फोकस करा, बिकॉज ये हैबिट्स ही उन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल व्हाई के साथ लगे। एग्जांपल, वेल फर्स्ट सुबह उठना है, व्हाई, क्यों उठना है, बिकॉज मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग ये करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज सुबह जल्दी उठना आपको बहुत टाइम देता है, और तब आप अपनी पीक परफॉर्मेंस में पीक मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज का आप यूज कर सकते हो, दुनिया के उठने से पहले काम कर सकते हो दुनिया से आगे रहने के लिए। और ऐसे ही कई सारे आंसर्स उन्हें मिले, जिसने कंफर्म करा कि क्यों यह हैबिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है जो हमें अपने अंदर डालना चाहिए। ऐसी फिर उन्होंने एक एक करके सारे हैबिट्स का वाई क्लियर किया बहुत अच्छे से। सेकंड हैबिट की बात करें जो सेवर्स का एस होता है, मतलब साइलेंस, ये उन्होंने चूज किया बिकॉज अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी और उनका ये कोट जो दिख रहा है वो बताता है कि जो बोलता है कि जब हम साइलेंस का यूज करते हैं तो वो हमारे दिमाग के सारे कंफ्यूजन को, प्रॉब्लम्स को दूर करके हमें सॉल्यूशंस दिखाता है, हमें क्लियर करता है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, जो ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अपना कोई भी दिन स्टार्ट करने के लिए, एक्शंस लेने के लिए, वरना आप दिन भर बस मोबाइल पर टाइम पास करते रहोगे। इसलिए ये हैबिट उन्होंने चूज करा। फिर थर्ड उन्होंने अफर्मेशन देखा, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कोट। देखो मोहम्मद अली जो थे वो हमेशा अपने आप को द ग्रेटेस्ट बोलते थे, और क्योंकि वो बार बार अपने आप को बेस्ट बोलते थे इसीलिए वो बेस्ट बने भी। अभी की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी आप देखना अपने आप को बार बार बेस्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से ही he is one of the best. Now, ये सब बोलना एक्चुअली ईगो नहीं है, बिकॉज ये वो दुनिया को बोलने से ज्यादा अपने आप को बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, जो एक्चुअली होता है अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट करना, अपने आप को बोलना, ताकि आप उस बात को बिलीव करने लगो और उससे रिलेटेड फिर एक्शंस लेने लगो। कई ग्रेट सक्सेसफुल लोगों ने बताया है कि कैसे अफर्मेशंस ने उनकी लाइफ में उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद की है, इसलिए यह हैबिट भी बहुत जरूरी होने लगी अपनी लाइफ में लाना। इसके बाद होता है विजुअलाइजेशन। एक इंटरेस्टिंग कोट है कि ऑर्डिनरी पीपल बिलीव इन व्हाट्स पॉसिबल, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल विजुअलाइज एंड दे स्टार्ट मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। इमेजिनेशन का यूज करके आप विजुअलाइजेशन का यूज करते हो, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, और इसके कई सारे रीजन हैं। कुछ रीजन बताओ तो, इसका यूज करके आप अपने ब्रेन को यकीन दिला सकते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप अपने ब्रेन को लिटरली रिप्रोग्राम कर सकते हो सक्सेस के लिए, अपने आप को ब्रेन वॉश कर सकते हो सक्सेस के लिए, जो अगेन कमाल की चीज है, बट लोग नहीं समझते। फिफ्थ, एक्सरसाइज। रॉबिन शर्मा बोलते हैं कि इफ यू डोंट मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज यू विल मेक टाइम फॉर इलनेस। एबन पेगिन एक सेल्फ मेड मल्टीमिलियनर है, वो बोलते हैं कि उनकी सक्सेस के पीछे का जो नंबर वन की सीक्रेट है वो की है सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, वो भी बस कुछ मिनट तक। सुबह उठ के एक्सरसाइज करना हार्ट रेट बढ़ाता है, जहां हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, जो सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस ये चीज हमें एक पॉजिटिव स्टार्ट देता है दिन का, जो फोकस, कॉन्सेंट्रेशन और कई सारी चीजों में बहुत मदद करता है। सिक्स, सेवर्स का आर आता है रीडिंग के लिए। देखो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है दुनिया में, उन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ऑलरेडी किसी ने एक बुक में लिख के रखा है, इसलिए अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। और बुक रीड करना भी आपको बस एक बार नहीं चाहिए, बल्कि आपको रीरीड करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको एक कराटे में ब्लैक बेल्ट अचीव करना है, तो आप बस हर टेक्निक को एक बार प्रैक्टिस करके कराटे में मास्टर नहीं बन सकते हो, आपको एक ही स्टेप को बार बार रिपीट करना होगा, बहुत बार प्रैक्टिस करनी होगी। वैसे ही अगर आपको कोई बुक पसंद आती है तो उसे आपको रीरीड करना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि वो बातें आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सको, अपने सबकॉन्शियस में बैठा सको, ताकि आपके लिए उसको एक्शन लेना इजी हो जाए, तो उसके लिए आपको रीरीडिंग करना चाहिए। और ये सारे रीजन की वजह से ही रीडिंग बहुत पावरफुल है। सेवन, स्क्राइब। लिखना थेरेपी जैसा होता है, जो आपको लाइफ में क्लैरिटी देता है, आपको आइडिया सोचने में हेल्प करता है, आपको अकाउंटेबिलिटी लेने में हेल्प करता है कि आप कहां हो, कहां बढ़ रहे हो, जो सारी चीजें बहुत पावरफुल होती है। इसलिए उन्होंने ये हैबिट को भी चुना। और ये सारे रीजन थे जिसने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था ऑथर को कि क्यों उन्हें जिंदगी में 7 हैबिट्स को अपने अंदर डालना ही डालना है। एक बार क्यों अच्छे से क्लियर हो गया, तो उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल, कैसे आप इन सारी हैबिट्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो, कैसे एक्शन ले सकते हो इनसे रिलेटेड, बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन यूजुअली लोगों को ये सब चीज करने नहीं देता है। बट अच्छी बात यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे 2 रीजंस होते हैं, जिन्हें अगर हम समझ लेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। पहला रीजन जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो है लैक ऑफ क्लैरिटी।
कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, और सेकंड लैक ऑफ प्लान कि हमें कोई भी चीज कैसे करनी है। जब भी ये दो चीजें क्लियर नहीं होती है अच्छे से, तब तब कंफ्यूजन होता है, और जब भी कंफ्यूजन होता है हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सो अगेन इस सब चीजों से भी डील करने के लिए ऑथर ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे, लाइक सबसे पहले सुबह उठे कैसे, क्यों हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, कैसे उठना है, उसका स्टेप बाय स्टेप सबसे इजी तरीका क्या है, फिर उठने के बाद साइलेंस आपको कैसे अचीव करना है, मेडिटेट करना है, प्रेयर करना है, कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट होगा, कैसे उसे यूज करना चाहिए एग्जैक्टली, कब कब आपको अफर्मेशन का यूज करना चाहिए, कैसे एग्जैक्टली वो बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, अफर्मेशन करने के 5 स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे विजुअलाइजेशन करना है, कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना है, कैसे आपको अफर्मेशन से विजुअलाइजेशन की तरफ बढ़ना है, उसके रिलेटेड स्टेप्स क्या होते हैं। ऐसे ही ऑथर ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे और उनके आंसर्स उन्होंने लिख के रखे हैं अपनी बुक में, और ये क्वेश्चन करना और उनके आंसर्स ढूंढना ही वो रीजन था जिसकी वजह से वो इतना कुछ कर पाए, वो इतना डीप गए उस चीज में जिसकी वजह से ही उनके लिए ऊपर ऊपर से हर चीजें करना बहुत इजी हो गया। सिमिलरली अगर आप भी चाहते हो कि आपके अंदर भी ये सारी हैबिट्स आए, एक्चुअल में आप एक्चुअल में सुबह उठ पाओ और ये सारी चीजें कर पाओ, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप ये बुक को खरीदो और उसे पढ़ो। बट आई नो बुक्स पढ़ना मैक्सिमम टाइम आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, इवन मेरे लिए कई बार मुश्किल होता है, इसीलिए ही हमने क्रिएट किया है OVB, मतलब ऑनलाइन वीडियो बुक्स, जहां हमने क्या किया कि मिरेकल मॉर्निंग बुक ली, उसकी पेज बाय पेज समरी बनाई, लाखों रुपए, बहुत सारा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करके उसकी टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, लेसन बाय लेसन उसकी समरी बनाई हिंदी में, इजी वर्ड्स में, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कराई, एनिमेशंस करवाए, जैसे आप ये देख रहे हो एनिमेशन, सिमिलर फॉर्मेट में एनिमेशंस करवाए बहुत सारा पैसा लगा के, और आपके लिए एक वीडियो बुक रेडी कर दी ताकि आपको सारे आंसर्स, सारी क्लैरिटी एकदम इजी तरीके से मिल सके और आप एक्चुअल में ये सारी चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट कर सको। देखो OVB जो हमने क्रिएट किया है वो पूरी दुनिया में कभी नहीं क्रिएट हुआ है, और सच में ये बहुत कमाल की चीज है, सो इसे आप जरूर चेकआउट करके देखो। द मिरेकल मॉर्निंग की हमने ऑडियो बुक नहीं बल्कि वीडियो बुक रेडी करी है, जो आप नीचे दी हुई लिंक से जाके चेकआउट कर सकते हो। जब हमने OVB लॉन्च किया था तो इसका प्राइस हमने 549 रखा था, बट अभी के लिए हमने इसका प्राइस 399 रखा है, स्पेशल ऑफ रखा है आपके लिए। सो आप अभी जाके ये बुक खरीद सकते हो, इसकी वीडियो बुक देख सकते हो, और अपनी सारे डाउट्स को, व्हाट, हाउ, व्हाई, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जिन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस बुक में मिल जाएंगे, जो ऑथर ने खुद सीखा, अप्लाई किया, जो आप भी इजीली सीख के अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आप भी एक मॉर्निंग पर्सन बनना चाहते हो, ये सारी हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक्चुअल में बड़े बड़े सपने पूरे करना चाहते हो, तो अभी जाओ नीचे दी हुई लिंक से जाके इस बुक की वीडियो बुक खरीदो। इससे आप बहुत सारी चीजें सीखोगे भी और हमें सपोर्ट भी करोगे, बिकॉज ये पूरी दुनिया में पहली बार किया गया है, इसलिए आपके सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है। इसलिए अभी जाइए और चेकआउट करिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।